बोलिए लाडली लाल की श्रीमत् सद्गुरु सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रपन्नाहं तत्व जिज्ञास महानुभाव
कीर्तन भक्ति के विषय में आप लोगों को यह बताया गया कि हम कलयुग के जीवों को भगवान ने कृपा करके, उनकी असीम कृपा है कि उन्होंने अपनी प्राप्ति का साधन इस संसार में प्रकाशित कर दिया, माने हमारे कल्याण का उपाय भगवान ने जो है घोषित कर दिया, उसकी रचना कर दी। तो हमारे समस्त शास्त्र वेद इस बात की पुष्टि करते हैं, वेद से लेकर रामायण पर्यंत, कि भगवान का दिव्य नाम ही एकमात्र वो साधन है जिसके अवलंब या जिसका आश्रय लेने से हमारा कल्याण हो सकता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और भगवान के दिव्य नाम के विषय में यह भी आप लोगों को बताया गया कि दो विज्ञान है, दो सिद्धांत हैं। पहला ये कहता है कि भगवान और भगवान का दिव्य नाम दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर शक्तियां रखते हैं। किंतु दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि भगवान का दिव्य नाम भगवान से भी अधिक गुणा बड़ा है, महत्वपूर्ण है। वो सिद्धांत के दृष्टिकोण से नहीं है, वो हमारे लाभ की दृष्टिकोण से है। और इसका कारण यह बताया गया कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापक हैं, इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं, किंतु हमको भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, माइक है। और भगवान दिव्य है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। जो अधिकारी हैं केवल उनको भगवान का दर्शन वो प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोगों को अधिकार नहीं मिला, हमने अभी प्राप्त नहीं किया। अतएव उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमको हमारा अंतःकरण पहले शुद्ध करना होगा, निर्मल बनाना होगा। ये जो हमारे अंतःकरण में जो ये गंदगी है उसको पहले साफ करना होगा। तो उसको साफ कैसे किया जाए? तो भगवान का दिव्य नाम जो है वो हमारी सहायता करता है। भगवान का दिव्य नाम कहता है कि देखो, भगवान तो जब मिलेंगे जब पात्र बन जाएगा, लेकिन पात्र कैसे बनेगा? तो भगवान का दिव्य नाम कहता है कि मैं जो है सहायता करूंगा। तो आप लोगों को दृष्टांत के द्वारा यह भी समझाया गया कि भगवान के दिव्य नाम की क्या महिमा है। वाल्मीकि जी रत्नाकर उनका नाम था, उनका उद्धार हुआ कैसे? भगवान के दिव्य नाम से। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, भगवान राम तो 11,000 वर्ष रहे इस संसार में और एक जीव का उद्धार हुआ उसमें भी शंका है। भगवान के दिव्य नाम ने कितने जीवों का उद्धार किया। तो ये भगवान का नाम हम लोगों को अनादिकाल से प्राप्त है। हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं, हमने भगवान के नाम को अनंत बार गाया, लेकिन हमको तो उस नाम का कोई लाभ नहीं मिला।
हमको तो वो रस नहीं मिला जो भगवान के दिव्य नाम में व्याप्त है, उनकी कृपा जो व्याप्त है, उनकी समस्त शक्तियां जो हैं, यहाँ तक कि भगवान स्वयं अपने नाम में बैठे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने यह बताया कि हम लोग भगवान के नाम से प्यार नहीं करते, हमारा अनुराग नहीं है। तो कबीरदास जी ने फिर हमको बताया कि कैसे हमको भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। जिस मन से हम लोग संसार के निमित्त, संसार के प्रति लालायित तो होते हैं, व्याकुल होते हैं, वैसे ही जब हम भगवान के दिव्य नाम को गावे तो हम भगवान के लिए व्याकुल हो, ऐसे हम लोगों को करना है, गाना है, भजन करना है, कीर्तन करना है। और इसको करने के लिए कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार का, न देश नियमस्तस्मिन् न काले नियमस्तथा नोच्छिष्टादो निषेधोऽस्ति श्री हरेर नाम निलुब्धके। तो कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, ना देश का नियम है, ना कोई स्थान का नियम है, ना हमको नहा धो के भगवान के दिव्य नाम को गाना है, और ना किसी समय का कोई बंधन है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस हम लोग अपनी रुचि के अनुसार जो है भगवान के दिव्य नाम को गावे। तो ये दिव्य नाम को गाना, तो हमारे योग दर्शन में यह भी बताया गया है कि केवल नाम को गाना ये पर्याप्त नहीं है, अपितु हम लोगों को भगवान की भावना भी अपने हृदय में लानी है। तो योग दर्शन में यह बताया गया तद जपस तदर्थ भावनम, कि जब हम लोग कीर्तन करें या जप करें तो रूप ध्यान अवश्य करें, स्मरण अवश्य करें, भगवान की भावना अवश्य हम अपने हृदय में लावे। जैसे हम लोग मंदिरों में आते हैं तो हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं तो ऐसी भावना हमारे हृदय में आती है। तो उसी प्रकार से हम जब भगवान के दिव्य नाम को गावे तो ऐसा ही भाव हमारे अंतःकरण में आना चाहिए कि हम श्री राधा कृष्ण का नाम गा रहे हैं, तो उनकी भावना स्वयमेव आएगी। हाँ, तो ऐसे ही किसी भगवान राम के दिव्य नाम का कीर्तन हम गावे तो ऐसा भाव हम उत्पन्न करें। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं अपनी अष्टपदी में, वो बताते हैं कि भगवान के नाम को हमको कैसे गाना चाहिए, वो कैसा भाव होना चाहिए हमारे हृदय में। तो वो कहते हैं नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो वो कहते हैं कि हम लोगों को भगवान के नाम को जब हम गावे तो जैसा कि इस श्लोक में इसका जो भावार्थ है कि एक भक्त श्री कृष्ण से कहता है कि हे श्री कृष्ण, हमको उस दिन की प्रतीक्षा है। किस दिन की? उस दिन की प्रतीक्षा है कि जिस दिन हम आपके नाम को गावेंगे नयनम गलदश्रुधारया, और हमारी आंखों से आंसुओं का प्रवाह होगा और हमारा कंठ जो है वो गदगद हो जाएगा, हमारी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी और आपके मिलन की व्याकुलता में जो है मेरे शरीर में रोमांच होगा। हमको उस दिन की प्रतीक्षा है। इस श्लोक का अनुवाद जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज करते हैं अपने एक पद कीर्तन में, जिसमें वो कहते हैं ओह
वो कहते हैं हियर फाटम फूटम नयन जरम सतनु के ही काम द्रवहि स्रवहि पुलकहि नहि तुलसी सुमिरत राम। तो वो कहते हैं कि हियर फाटम फूटम नयन, भगवान के दिव्य नाम को जब हम गाएं और हमारा हृदय ना पिघले तो ऐसा हृदय हियर फाटम फट जाए। और वो आंखें किस काम की जो प्रभु की चिंतन में, उनके स्मरण में, उनके मिलन की व्याकुलता में आंसू ना बहावे। ऐसी आंखों को फोड़ देना चाहिए, तनहु सो जर कहीं काम। देखिए ऐसा शरीर जो रोमांचित ना हो, ऐसा शरीर जल जाए। देखिए ऐसे कठोर शब्दों में तुलसीदास जी कहते हैं। तो देखिए भगवान के जब हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, और यदि ऐसे सात्विक भावों का उद्रेक नहीं होता है तो हम लोगों को निराश नहीं होना है। यदि हमारी आंखों से आंसू ना आवे तो हम लोगों को अपनी आंखें फोड़नी नहीं है, ये उनका कहने का आशय नहीं है। ये तो तुलसीदास जी अपने हृदय के उद्गार इस प्रकार से, क्योंकि वो तो अपनी अवस्था से बोलते हैं महापुरुष तो, हाँ तो वो ऐसा नहीं कह रहे हैं हम लोगों को करने के लिए। वो सिर्फ ये हम लोगों को कह रहे हैं कि हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, इस लक्ष्य को हम अपने अंदर रख कर भगवान की उपासना आराधना करें तो आंसू ना आवे, तो निराशा नहीं लानी है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी के सत्संग में, यानी महाप्रभु जी का ये आदेश होता था कि संकीर्तन करते समय आंसू बहाओ, रुदन करो, क्रंदन करो, भगवान के लिए व्याकुलता उत्पन्न करो। तो उनके सत्संग में एक सज्जन थे, तो वो चाहे कितनी भी कोशिश करे उनको आंसू नहीं आते थे। तो इन्होंने कहा कि महाप्रभु जी का आदेश है, आंसू तो लाने हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक कपड़ा लिया, उसमें मिर्ची रखी और उसकी पोटली बनाई। और वो सत्संग में जब बैठ गए, जब कीर्तन होता था तो थोड़ी थोड़ी देर में आंखों में छुआ दे, तो जब आंखें जलती थी तो वो पानी निकलता ही था, आंसू निकलते थे। तो किसी ने देखा कि ये ऐसा करते हैं तो शिकायत की महाप्रभु जी को, जाके कहा। तो महाप्रभु जी ने उसको बुलाया और पूछा कि तुम ऐसा करते हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं ऐसा करता हूं क्योंकि ये आपका आदेश है कि हमको रुदन करना है, भगवान के लिए व्याकुल होना है, और मैं चाहे जितना भी कोशिश करूं मेरा हृदय इतना कठोर है तो मुझे आंसू नहीं आते। तो महाप्रभु जी ने उस दूसरे वाले व्यक्ति को कहा कि तुम इसकी शिकायत कर रहे हो, इसने तो तत्व को समझ लिया। जिसने तत्व को समझ लिया तो फिर आगे की बात भी बन जाएगी, माने तत्व को समझना ये आवश्यक है। जब हमने इस बात को हृदयंगम कर लिया कि हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमारे गुरु और भगवान की कृपा से ये लक्ष्य भी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। कहने का आशय ये है कि तत्व ज्ञान को समझना है, अपने अंदर उतारना है, ये करना है।
तो खैर तुलसीदास जी ने ऐसा कहा तो हम कीर्तन गावे और साथ ही भगवान की भावना भी धारण करे, ये हमारे समस्त शास्त्र कह रहे हैं हम लोगों को। तो एक ओर तो ये कहा जा रहा है और दूसरी ओर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, सांकेत्यं पारिहास्यं वास्तोभं हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरं विदुः। तो दूसरी ओर हमारे शास्त्र कहते हैं सांकेत्यं पारिहास्यं वा, भगवान का नाम चाहे हम कैसे भी गावे, कैसे भी हम भगवान का नाम गावे, कल्याण होगा, लाभ मिलेगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो चाहे हम भगवान के नाम को संकेत में ले ले या इशारे से ले ले या मजाक बनाने के दृष्टिकोण से ले ले, जैसे कोई यदि राधे राधे कहता है तो कोई कहे कि देखो ये कैसा बेवकूफ है जब देखो राधे राधे बोलता है। चाहे ऐसे ही भगवान का नाम हम ले ले या स्तोभम हेलन मेववा, अंगड़ाई लेते लेते राधे बोले, जम हाई लेते लेते राधे बोले हम, जैसे भी हम बोले तो लाभ मिलेगा। जैसे ये संगीतज्ञ लोग जो होते हैं तो वो जब भजन गाते हैं भगवान के नाम का तो उनका ध्यान जो होता है गाजे बाजे में होता है, झांझ मजीरे में होता है, हाँ वो यद्यपि भगवान का नाम गाते हैं तो वैसे ही गा लो तो हमारे शास्त्र कहते हैं लाभ मिलेगा, कल्याण होगा, ऐसा कहते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं श्रद्धा भक्ति और अभावेपि भगवन नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयति इत्युक्तम। श्रद्धा भक्ति से लो या श्रद्धा भक्ति के अभाव में लो, चाहे जैसे लो लाभ मिलेगा, ऐसा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। भाव से लो या कुभाव से लो, जैसे भी लो भगवान के दिव्य नाम को गाने का लाभ अवश्य मिलेगा। देखिए ये विरोधी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। तो एक और हमारे शास्त्र कहते हैं कि कीर्तन करते समय रूप ध्यान अवश्य करना चाहिए, और दूसरी ओर हमारे शास्त्र कहते हैं जैसे भी गाओ बस लाभ मिलेगा। तो ये विरोधी बातें क्यों कह रहे हैं हमारे शास्त्र? तो देखिए समझने वाली बात है, इसका भी दो विज्ञान है। पहला तो ये कि जब महापुरुष अपनी अवस्था से बोलते हैं, उनकी जो सर्वोच्च दिव्य उनकी जो अवस्था होती है तो वो बोलते हैं कि देखो भगवान का नाम गाओ तो लाभ मिलेगा। जैसे किसी की बीवी का नाम, किसी की बेटी का नाम राधा है और कोई संत महात्मा महापुरुष भगवान के नाम को सुनते हैं तो उनको उतना ही भाव वो अनुभव करते हैं, भगवान के नाम को सुनने में उनको उतना ही अनुभव होता है, भाव उनका बनता है, जितना कि जब वो स्वयं भगवान के दिव्य नाम को गाते हैं। तो अपनी अवस्था से जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि भगवान का नाम गाओ लाभ मिलेगा। जैसा कि शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती, मनः प्रसन्नता याति राम नामाभिशंकया। तो वो कहते हैं कि
पार्वती, जब मैं रा सुनता हूं ना, रा, तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है कि ये अब माँ बोलेगा, क्योंकि ये कितना अच्छा व्यक्ति है। चाहे वो रा बोलने के बाद वण बोल दे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे रा सुनते ही मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। तो जब महापुरुष अपनी अवस्था से बोलते हैं तो कहते हैं भगवान का नाम गाओ। और दूसरा विज्ञान क्या है कि हम सरीखे जीवों को जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है, हम लोगों को भगवान की ओर प्रवृत्त करने के लिए गुरु रूपी अध्यापक ये कह देते हैं कि भगवान का नाम गाओ। क्यों? ताकि हम शुरू तो करें, कुछ तो करें। हाँ, यदि पहले ही दिन कोई जिज्ञासु आवे किसी महापुरुष के पास, संत के पास, और उसको यह बताया जाए कि देखो, यदि वो साधना की जिज्ञासा उत्पन्न करे कि भाई हमको साधना सिखाइए, बताइए भगवान की भक्ति कैसे करनी है, और यदि उसको पहले ही दिन ही उसको ये कहा जाए कि देखो बेटा, भगवान का नाम गाओ और उनका रूप ध्यान भी करो, और साथ ही साथ उनके लिए व्याकुलता भी उत्पन्न करो, माने उनके प्रति जो भाव ऐसा उत्पन्न करो, व्याकुलता उनके लिए आंसू बहाओ, उनके मिलन की जो उत्कंठा उत्पन्न करो, ये लालसा उत्पन्न करो, आंसू बहाओ। तो बेचारा पहली बार जो आया है वो आखिरी बार आएगा, वो सोचेगा कि इतना कुछ करना है हमको, संसार के लिए हम कम रोते हैं क्या दिन रात, भगवान के लिए भी रोना है, ये तो हम नहीं कर सकते, इतना कुछ तो हमारे बस की बात तो नहीं है, ये तो हम नहीं करेंगे, तो बेचारा घबरा जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि देखो शुरू करो, कीर्तन करो। हाँ, फिर अपने आप से वो प्रश्न पूछता है गुरुजी के पास, गुरुजी वो ऐसा है कि आपने कहा था कि वो कीर्तन करो, लेकिन वो ऐसा है कि वो कुछ हिसाब बैठ नहीं रहा है, वो कुछ जमता नहीं है, आपने कहा बस कीर्तन किया करो। देखो बेटा, ऐसा है कि तुम जिसका कीर्तन करते हो ना, हाँ, उनका ध्यान भी किया करो। ठीक है गुरु जी, किया करेंगे करेंगे। तो वो करता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर लौट के आता है, कहता है गुरु जी वो ऐसा है ना, ये अभी प्रारंभिक अवस्था है ना, अभी शुरुआत ही तो की है, तो ये जो मन है ना, ये मक्कारी करता है। भगवान का ध्यान करने की कोशिश तो करता हूं मैं, लेकिन ये भाग जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो बेटा, जिसका कीर्तन करते हो ना, हाँ, उनका रूप ध्यान करो और उनके प्रति व्याकुलता भी उत्पन्न करो, उनके मिलन की। हाँ, तो देखिए हमारे गुरु जो हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोगों को भगवान की ओर प्रवृत्त करते हैं। एकदम से नहीं कहते हैं कि बस ऐसा करो, ऐसा नहीं। तो देखिए सिद्धांत वही रहेगा, सिद्धांत नहीं बदलता। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि बस कीर्तन करने से ही सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कीर्तन करना है, लेकिन साथ साथ उस रूप ध्यान को भी करना है, ये लक्ष्य तो हमारा रहेगा, ये नहीं बदलता, ये तो रहेगा, तो ये तो अवश्य करना है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि जब अपने अवतार काल में भगवान राम ने ये कहा कि जब तुम हमारे नाम का संकीर्तन करो और वो भाव उत्पन्न हो,
हमारे मिलन के लिए व्याकुल हो तो ये समझ जाओ कि तुम्हारी गाड़ी ठीक ठीक चल रही है। हाँ, क्योंकि जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। वो कहते हैं कि हमारा ये जन्म है, ये जीवन, ऐसे हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं। यदि हमने भगवान के दिव्य नाम को किसी एक जन्म में एक बार ही गाया हो तो हमने अनंत बार भगवान का नाम गाया है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि भगवान के नाम को गाने मात्र से ही हमारा कल्याण होना होता तो हम लोगों को अनंत बार भगवत प्राप्ति हो गई होती, क्योंकि हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं। लेकिन हमको तो हुई नहीं, वो इसलिए कि हम लोगों ने भगवान का रूप धारण नहीं किया। नाम में जो नामी बैठे हैं उनकी भावना हमने नहीं बनाई, तो फिर उस नाम का जो वास्तविक लाभ है वो हम लोगों को नहीं मिला। तो हम लोगों को ये भगवान का रूप ध्यान अवश्य करना है। हाँ, तो ये कीर्तन भक्ति का निष्कर्ष यही है कि यद्यपि हम लोग वाणी से, जबान से भगवान के दिव्य नाम को गावेंगे, लेकिन मन में भगवत भावना अवश्य लानी है, ये तो हमको करना ही है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये स्मरण भक्ति क्या है, स्मरण भक्ति, और इसका इतना महत्व क्यों है, इस पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, ये हम लोगों को समझना है। तो स्मरण भक्ति के विषय में जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, सब साधन जनु देह सम रूप ध्यान जनु प्राण राधे राधे खात गीध जनु श्वान सम कामादिक शव मान राधे राधे। तो जितनी भी साधनाएं हैं प्रहलाद की बताई हुई, जितनी भी अनेक और जितनी प्रकार की साधनाएं हैं, जप तप नियम इत्यादि जितनी भी अलग अलग प्रकार की जो साधनाएं हैं, तो उनका जो प्राण है वो एकमात्र स्मरण है। स्मरण क्यों? क्योंकि जैसे हमारे शरीर में प्राण है तो हमारा शरीर चेतन है, हमारे इंद्रिय मन बुद्धि शरीर चेतन है। प्राण निकल गया तो शरीर बेकार हो गया, शव बन गया, फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ऐसे ही स्मरण युक्त हमने कोई साधना नहीं की, जैसे हमने कीर्तन किया और स्मरण हमने नहीं किया तो वो कीर्तन भक्ति नहीं कहलाएगी। इसी आशय से हम लोगों ने आरती की और भगवान की भावना नहीं बनाई तो वो आरती करने का वो हमको फल नहीं मिलेगा। हाँ, तो समस्त साधनाओं का प्राण है, और यदि हमने
स्मरण नहीं किया, भगवान की भावना नहीं बनाई, तो वो साधना प्राणहीन शरीर के बराबर मानी जाएगी। फिर भी ये बात समझ में नहीं आती कि स्मरण क्यों करना है, क्योंकि देखिए हम लोग आंखों से दर्शन करते हैं मंदिरों में, कानों से श्रवण करते हैं, वाणी से कीर्तन करते हैं, हाथ से पूजा पाठ करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन स्मरण माने चिंतन केवल हमारा मन ही करता है। चिंतन हमारे मन का काम है। देखिए वही सिद्धांत फिर आता है, हमारा मन ही हमारा बंधन एवं हमारी मुक्ति का कारण है। मन को हम जिस विषय में लगाएंगे तो वैसा ही हमको फल मिलेगा, सिद्धांत ये है। तो मन को हम भगवान में लगाएंगे, उनकी भावना लावेंगे, तो हमको फल मिलेगा, उस क्रिया का, उस साधना का लाभ मिलेगा, अन्यथा वो हमको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, सूचना ही साधना है गोविंद राधे, बार बार सोचना ही उनसे मिला दे। तो सोचना ही साधना है, बार बार सोचना उनसे मिला दे, भगवान से मिला दे। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जितनी भी साधनाएं हैं, कीर्तन, आरती, पाठ, पूजा इत्यादि, ये सब निमित्त हैं, निमित्त हैं, ये साधना नहीं है। साधना तो मन को करनी है, और मन में वो भगवान की भावना जब हम लाएंगे तो वो वास्तविक रूप से भक्ति या साधना कहलाएगी। केवल कीर्तन करना, केवल आरती करना, ये भोग लगाना, ये साधना नहीं है। साधना मन करता है, शरीर इंद्रियां नहीं करती। हाँ, तो इसलिए स्मरण भक्ति समस्त साधनाओं का प्राण है। इसी आशय से भगवान के अंशावतार वेद व्यास जी 18 पुराण के रचयिता वो कहते हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। वो कहते हैं कि हमने 6 शास्त्रों, जो हमारे 6 दर्शन शास्त्र हैं और जितने पुराण है, वो कहते हैं हमने उनको बार बार मथा है, और निर्णय क्या निकला, ध्येयो नारायणो हरि ही। प्रत्येक जीव को भगवान का चिंतन करना है, इसलिए हमारे शास्त्र पुनः कहते हैं, स्मरतव्यः सततं विष्णुर् विस्मरतव्यो न जातु चित्। 2 नियम है, पहला क्या, भगवान का स्मरण करो, और दूसरा क्या, भगवान का विस्मरण ना होने पाए। 2 नियम है बस। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया, दुर्लभं त्रयमेव तत् दैवानुग्रह कारकं, यद्दुर्लभं यदप्राप्यं मनसो यन्न गोचरं, तदप्यप्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदनः। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान ब्रह्म कार्सीन त्रिरण वीक्ष मनीषया
तदध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेत्। उन्होंने कहा कि हमने वेदों को तीन बार मथा है, वेद को, और निष्कर्ष क्या निकला कि हमको भगवान का चिंतन स्मरण करना है। इसलिए गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं मनेर स्मरण प्राण, स्मरण जो है प्राण है समस्त साधनाओं का, तो ये करना है। और जब स्मरण भक्ति का विषय आता है, समझाया जाता है, लोगों को कहा जाता है, तो लोग कहते हैं कि देखो ऐसा है कि स्मरण भक्ति करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि भगवान तो परोक्ष है, उनको तो हमने देखा नहीं, तो फिर हम उनका ध्यान भला कैसे करें, उनका चिंतन कैसे करें, उनका स्मरण कैसे करें। और संसार तो प्रत्यक्ष है, तो संसार का ध्यान तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी आंखों के सामने है, दिखाई देता है। अब भगवान तो दिखाई देते नहीं है, तो उनका ध्यान हम भला कैसे करें। तो भोले भाले लोग ऐसा कहते हैं कि यदि कोई संत, कोई महात्मा, कोई बाबा जी ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसी कृपा करें कि भगवान का दर्शन हमको करा दे, फिर देखो हम कैसा ध्यान करते हैं। अरे हम बड़ा ध्यान करेंगे फिर तो भगवान का, एक बार बस एक झलक दिखा दे बस, और फिर हम ध्यान ही ध्यान करेंगे। तो राम भगत का करी ना सकाए, भगवान का जो भक्त है, जो महापुरुष है, उनके लिए कोई बात असंभव नहीं है। लेकिन यदि हमने अधिकार पहले नहीं प्राप्त किया और ऐसे ही यदि वो हमको दर्शन करा दे, तो ये जो रही सही श्रद्धा है ना हमारी, वो भी सब 0/100 हो जाए, वो भी सब समाप्त तो हो जाए। कोई महापुरुष यदि कहे कि देखो भगवान को देखना चाहते हो, हाँ हाँ, तो ठीक है, ये रहे हमारे श्याम सुंदर, देखो देखो ये हमारे श्याम सुंदर हैं। अच्छा ये आपके श्याम सुंदर हैं, तो गुरुजी आपको भी नमस्कार, आपके भगवान को भी नमस्कार। तो वो ऐसे हमारा काम नहीं बनेगा। हमारे शास्त्रों में देखिए, जब श्री कृष्ण को कंस ने आमंत्रित किया अपनी सभा में, तो वहां अनेक प्रकार के कार्य हुए, धनुष यज्ञ हुआ, मल्ल युद्ध हुआ इत्यादि। तो कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, मल्लानाम शनिर्निणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषां तत्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रज। तो देखिए, जब भगवान को आमंत्रित किया, और तो जो पहलवान लोग थे उन्होंने भगवान से अपना हाथ मिलाया, तो उन्होंने यह अनुभव किया कि इस लड़के का हाथ तो लगता नहीं है कि इसका शरीर हार्ड मांस का है। हाँ, इसका शरीर तो लगता है वज्र का बना हुआ है, क्योंकि हम तो लोहे तक को झुका देते हैं, लेकिन इसकी एक छोटी सी उंगली को हम नहीं मोड़ सकते, तो इसका शरीर वज्र का है। उन्होंने ये अनुभव किया। अब हम सरी के साधारण लोग बैठे थे, तो
तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखो ये लड़का जो है ना ये विशेष बुद्धि रखता है। हाँ हमने ऐसा कहा। और वहां कुछ स्त्रियां बैठी थी, उन्होंने कहा कि वाह ये लड़का इतना सुंदर है, मानो इसके तो रोम रोम से रस टपक रहा है, ये कामदेव भी क्या होगा इसके सामने, इतना सुंदर है ये। तो स्त्रियों ने ऐसा देखा, भगवान के सखा लोग वहां बैठे थे गोप, तो गोपों ने ऐसा कहा कि ये हमारा लंगोटिया यार है, ये क्या युद्ध करेगा इनसे, अपनी भी ना कटाएगा हमारी भी कटाएगा। तो उन्होंने ऐसा कहा। और वहां पर कुछ दुष्ट राजा लोग बैठे थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, सोचा कि ये तो हमारा शासक है, भगवान के माता पिता बैठे थे, उन्होंने ये अनुभव किया कि ये हमारा कोमलांग शिशु है। और वहां पर कुछ माने कंस ने भगवान को क्या अनुभव किया कि ये तो यमराज का भी काल है, उसने ऐसा अनुभव किया भगवान को देखकर। और वहां कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग बैठे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि इसके तो हजार कान हैं, हजार मुख हैं, हजार हाथ पैर हैं, उन्होंने ऐसा देखा, और एक एक मुख से हजारों सूर्य की लपटें निकल रही हैं, ऐसा देखा। योगियों ने कहा कि ये तो परम तत्व है। और भक्त यादवों ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये हमारे इष्ट देव है। तो देखिए सबने भगवान को भिन्न भिन्न रूप से देखा, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दो भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। तो उन्होंने भगवान को भिन्न भिन्न रूप में देखा, इसलिए जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो जैसे जिसकी हृदय की अवस्था थी, तो फिर उन्होंने भगवान को अलग अलग देखा। तो यदि हम लोगों को कोई महापुरुष भगवान का दर्शन करा भी दे, तो हमको तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए पहले हम लोगों को अधिकार प्राप्त करना है। हाँ? और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए भगवान ने हम लोगों को पूरी रियायत दे दी है कि हम लोग जैसा चाहे भगवान का ध्यान करें, जिस नाम का हम चिंतन स्मरण करना चाहे हम करें। मनेर माने अनंत नाम रूपाय विष्णुवे। तो हमारे वेद कहते हैं त्वं स्त्री त्वं पुमान त्वं कुमार उत्वा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि। हमारे वेद कहते हैं कि हम भगवान का चिंतन स्मरण स्वेच्छा से करें, पूरी रियायत है, कोई बंधन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, पूरी रियायत भगवान ने हमको दे रखी है। देखिए यदि आपको यह कहा जाए कि आपके घर में जो आपके परिवार के जो लोग हैं उनमें से किसी का आप ध्यान कीजिए, और ध्यान वैसा कीजिए कि जैसा उनका स्वरूप है ठीक वैसा ध्यान कीजिए, तो आप ध्यान करने को चलेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, जबकि आप उनके साथ दिन रात रहते हैं, उनका मस्तक तो बना लिया, अब उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी नासिका कैसी है। हाँ तो देखिए दिन रात उनके साथ यद्यपि जबकि आप रहते हैं, फिर भी आप उनका ध्यान नहीं कर सकते,
और भगवान के लिए ये कहा गया है कि हम चाहे जैसा ध्यान करें, भगवान तो कभी स्त्री बन जाते हैं, तो कभी कुमार बन जाते हैं, तो कभी कुमारी बन जाते हैं, तो कभी 100 वर्ष के बूढ़े होके लठिया लेके भी चलते हैं। जैसा हमको उनका रूप अच्छा लगता है, जैसा उनका रंग अच्छा लगता है, जैसी जैसा उनका श्रृंगार हमको अच्छा लगता है, वैसा करने की पूरी रियायत है। भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे किए हुए ध्यान को अपना ध्यान, अपना स्मरण समझकर तुमको फल दे देंगे। तो हमको पूरी रियायत भगवान ने दे रखी है, हम जैसा चाहे वैसा हम करें, बशर्ते कि हम जब उनका ध्यान करें तो ये भाव हमारे हृदय में रहे कि वो हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि हमने संकल्प किया तो भगवान को तो कहीं आना जाना तो है नहीं, उनको तो वो तो हमारे अंतःकरण में रहते हैं और सर्वव्यापक हैं। तो हमने संकल्प किया और उन्होंने हमको कृपा कर दी, कृपा दे दी। हाँ, तो रूप ध्यान भगवान का करना अत्यंत सरल है, उसमें हम लोगों को कोई विशेष बुद्धि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी रियायत भगवान ने हम लोगों को दे रखी है और इसलिए हम लोगों को करना है क्योंकि मन को शुद्ध करना है। और मन को हम जिस तत्व में लगाएंगे उसी तत्व का हम लोगों को फल मिलेगा। तो किसी भी साधना का हम अवलंब ले लें लेकिन साथ में हम भगवत भावना अवश्य धारण करें। हाँ, कोई कहे कि भाई हमको जो है वो कीर्तन भक्ति हमको नहीं करनी है, क्या हम कोई और साधना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है, भगवान को कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि कल मैंने बताया था, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, कि वो हम साधना किसी प्रकार की हम चाहे अपना ले, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि हम भगवान की भावना को बनावे। अब जहां तक रूप ध्यान का प्रश्न है, स्मरण का प्रश्न है, तो कोई कहे कि भाई हमको भगवान का ये चित्र अच्छा लगता है, हम ऐसा ध्यान करें, बिल्कुल हमको भगवान की ये मूर्ति बड़ी अच्छी लगती है, हमारे घर में है, हम ध्यान करें अवश्य। कोई भी देखिए, हमारे वृंदावन में, इंडिया में 5,000 से भी अधिक मंदिर हैं, ज्यादा वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के, और एक एक मंदिर में भगवान की अलग 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 प्रतिमाएं हैं, अलग अलग रूप हैं। तो अब किसी की कैसी पसंद हो, किसी की कैसी पसंद हो, सबका अपना अपना संस्कार है, अपनी अपनी पसंद है। आप किसी एक कपड़े वाली दुकान में चले जाइए, आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, तो अलग अलग अपने संस्कार के अनुसार अपना अपना रंग पसंद करेंगे। तो वैसे ही हमको भगवान का जैसा रूप जैसा रंग अच्छा लगता है हम स्वेच्छा से बनावे। किंतु एक बात और है, वो क्या कि जब हम भगवान का ध्यान करें तो उस चित्र का ध्यान ना करें, उस मूर्ति का ध्यान ना करें, माने उस भगवान को उस चित्र से बाहर ला दें। और जैसे हम लोग आम तौर से आपस में व्यवहार करते हैं, बोलते चलते खाते पीते, ऐसा व्यवहार भगवान के प्रति हम करें, माने प्रत्यक्ष की भावना लावे, प्रत्यक्ष की, हाँ, कि वो ऐसे ही
चित्र है, भगवान ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, अपने ही घर में कोई ऐसा हो, ना वो बोलता हो, ना वो मुस्कुराता हो, ना वो चलता फिरता हो, ना कोई व्यवहार करे, तो ऐसा हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमको तो कोई हमारे साथ व्यवहार करे ऐसा हमको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही प्रत्यक्ष का भाव हम लोग जो हैं उत्पन्न करें, इसी आशय से दृष्टांत है। एक बार भगवान के भक्त थे, तो वो भगवान की भक्ति पूजा किया करते थे, लेकिन एक कामना थी, धन की कामना थी उनको। तो परिणाम स्वरूप उन्होंने बहुत साल तक भगवान की भक्ति पूजा की, लेकिन वो उनका जो रहा सहा धन था वो भी सब समाप्त तो हो गया। तो एक बार एक मठाधीश ने, माने इन्होंने अपनी बात बताई एक मठाधीश को, बहुत किसी अमीर व्यक्ति को। तो वो कहता है कि देखो ऐसा है कि जो श्री कृष्ण है ना, वो तो मुक्ति के दाता है। हाँ, तुमको यदि धन चाहिए तो दुर्गा मैया की पूजा किया करो। ठीक है, तो वो घर गए और दुर्गा मैया को मंदिर में बिठा दिया और श्री कृष्ण को ऐसे ही रख दिया वहां एक कोने में, सरका दिया उनकी मूर्ति को। तो अब ये पूजा कर रहे थे, एक दिन अगरबत्ती यूं यूं घुमा रहे थे, माने अर्पित कर रहे थे पूजा के समय। तो फिर क्या हुआ कि वो अगरबत्ती का जो धुआं था वो श्री कृष्ण की ओर जाने लगा। तो इसको बड़ा गुस्सा आया कि देना है ना तो कुछ है नहीं इनको, और ये धुआं जो है अगरबत्ती में दुर्गा मैया को दे रहा हूँ, ये भी इनको चुराना, ये भी इनका तो काम ही है चुराना। तो खैर, तो इसको बड़ा गुस्सा आया, तो ये गया और रुई ले आया और रुई ले आके भगवान की नाक में ठूस दी रुई। उसको इतना गुस्सा आया, तो उसने ऐसा करते ही भगवान एकदम से प्रकट हो गए और कहते हैं वरम ब्रूही, वर मांगो। तो ये बड़ा परेशान कि ये कैसे हो गया। तो भगवान को वो कहता है कि मैं वरदान तो बाद में मांगूंगा, पहले ये बताइए कि आप प्रकट हो गए, मैंने इतने साल आपकी भक्ति की और आपने दर्शन नहीं दिया, प्रकट नहीं हुए और एकदम से आप प्रकट हो गए। तो भगवान कहते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है, तो पिछले 25 साल से तो तुम हमारी पूजा करते थे ना, तो तुम हमको जड़ पत्थर की मूर्ति समझ के तुम करते थे, ये तो जड़ पत्थर की मूर्ति है, किसी शिल्पी ने ठोक बजाकर नाक आंख कान मुंह हाथ पैर सब बना दिया है, तो फिर हम तुम्हारे लिए जड़ पत्थर ही बने रहे। अब जो तुमको विश्वास हो गया कि हम इस धुएं को हम सूंघ रहे हैं, हाँ हम ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए तो तुमने हमारी नाक में रुई ठूस दी, इसीलिए तो माने ये पक्का विश्वास, पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान इस अगरबत्ती के धुएं को जो है, इसके सुगंध को ग्रहण कर रहे हैं, ये पूर्ण 100% उसको विश्वास हो गया था। तो 100% विश्वास माने श्रद्धा, और 100% श्रद्धा माने पूर्ण मन बुद्धि का समर्पण। तो फिर भगवान बस इसी को तो परखते रहते हैं कि कोई जीव पूर्ण शरणागत तो हो जाए, और वो तुरंत दर्शन देते हैं वो, क्योंकि वो तो परख रहे हैं कि कौन जीव हमारे शरणागत हो जाए पूर्ण रूप से और हम उसको माला माल कर दे। देखिए, तो मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि हम जब अपनी साधना करें तो प्रत्यक्ष की भावना, क्योंकि भगवान भावना का ही फल देते हैं, हमने भावना बनाई। देखिए, संसार में हम किसी की भावना बनाते हैं किसी के प्रति, और वो है कहीं और, इंग्लैंड में, कनाडा में कहीं पर, तो फिर हम उनकी भावना बनावेंगे तो उसको तो पता नहीं चलेगा। हाँ, और हम यहाँ बैठ के उसके लिए व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं,
गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान है, उसको उस व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। और भगवान के लिए हमने ऐसा भाव उत्पन्न किया तो उनको कहीं से आना जाना नहीं है, वो हमारे अंतःकरण में बैठे हैं। इसलिए हमने ऐसा संकल्प किया तो तुरंत उनको वो भगवान जान लेते हैं हमारे संकल्प को और उसी के अनुसार फल दे देते हैं। तो हमने जब ऐसा भाव प्रकट किया कि वो प्रत्यक्ष हमारे सामने हैं तो उनको क्या नहीं पता चलेगा? हाँ, पता तो चलेगा। जब हम लोग जड़ वस्तुओं के पीछे इतना हम लोग जो है पागल होते रहते हैं, इतने हम लोग व्याकुल होते रहते हैं जबकि हम लोगों को कुछ मिलता नहीं उसमें से, तो जो ये भगवान का जो दिव्य प्रेम है, जो चेतन है, जो एक दिव्य शक्ति है, उसके निमित्त हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम लोगों को कितना जो मन में जो तृप्ति, पूर्णता, शांति, सुख, चैन, जिसके लिए हम लोग दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, भगवान की प्रतिज्ञा है ना, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं साठ, जो तू करो काट तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते हैं कि तुम हमारी ओर एक कदम भी चल के आओगे तो हम तुम्हारी ओर चल के नहीं आएंगे, साठ कदम दौड़ के आएंगे, वो अपनी गति से आते हैं। तो देखिए, लेकिन भगवान की यहाँ फिर हमको जो है एक भोले बालक की भांति सरल मन से, निश्चल मन से युक्त होकर उनको पुकारना होगा, उनकी भावना लानी होगी। तो ये स्मरण भक्ति का प्रकरण भी मैंने आप लोगों को आज बताया। अब कुछ और बातें शेष हैं और कल मेरा आखिरी सत्संग है, तो मैं कल के सत्संग में आप लोगों को और कुछ बातें जो आवश्यक हैं वो मैं समझाऊंगी। आज आपने ये सुना तो ये मत समझिएगा कि हम सब समझ गए, अब हमको कहाँ, अब तो देखो दिवाकरी देवी ने हमको सोने नहीं दिया, बुला लिया कल, तो अब हमको तो सब समझ में आ गया, अब हमको करना क्या है, बस यही तो करना है, अब हम जाके कल अभ्यास करेंगे और फिर हम नहीं आएंगे, ऐसा मत करना। अभी मैंने एक बहुत बड़ी रहस्य की बात नहीं बताई है, तो यदि आप लोग फिर नहीं आओगे तो फिर वो बात फिर नहीं बनेगी, घाटा हो जाएगा, तो फिर इस बात का ध्यान रखिएगा। जब कल सुबह आप लोगों को घंटी बजेगी आपके घड़ी की, और जब आपको ये मन करेगा कि अरे कहाँ जाएंगे अब, कल तो चले गए थे, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि बहुत बड़ी एक बात, विशेष बात मैं बताऊंगी आप लोगों को, यदि नहीं आओगे तो फिर आप लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो सोच लीजिएगा। तो खैर कल का दिन है, एक ही दिन है, फिर तो सोना ही सोना है। तो कल 10:30 बजे है, 10:30 से फिर 12 बजे तक सत्संग होगा, और आज का प्रवचन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब हम